हाँ बेटा, तो मैं बात यहाँ पे आपसे ये कर रहा था कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तकरीबन समझे आप कि बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल एग्जाम में, आपके ओवरऑल पेपर में, और वो है बेटा परसेंटेजेस एंड इंटरेस्ट। ठीक है, थोड़ी देर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, हम इसका देखेंगे किस तरह से होता है, फिर इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बेटा बहुत ज़्यादा एक्टिव लेना, और मैं आपको आज की क्लास के बारे में बता दूं भाई, ये वाली क्लास आप अटेंड कर लेना, आपको कोई परसेंटेजेस वाले क्वेश्चन में कभी भी मसला नहीं होगा, मैं आपको इतना इजी करके ये समझाऊंगा। ठीक है, पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट कर लें, आप सीवीएम में पढ़ रहे हैं, आपने मार्क्स ऑब्टेंड किए, आपने मार्क्स बेटा ऑब्टेंड किए 40 आउट ऑफ 50, 40 आउट ऑफ 50 बेसिक। अब मैंने आपने मुझे आगे बताया, सर मैंने 40 मार्क्स ऑब्टेन किया आउट ऑफ 50, मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा भाई तुम मुझे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस बताओगे, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तुमने कितने मार्क्स स्कोर किए, तो तुम बताए क्या करोगे बेटा। उसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आप वो अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। परसेंटेजेस मार्क्स का बेटा फॉर्मूला होता है, परसेंटेजेस मार्क्स इक्वल्स टू ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, टोटल ओरिजिनल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे ना, तो हमें इन परसेंटेज टर्म अपना आंसर पता चल जाएगा। अब जैसे ये 40 आउट ऑफ 50 बेटा आपने स्कोर किए हैं, तो मैं बोलूँ यार इसको मुझे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो मैं क्या करूंगा बेटा, सिंपली आई विल डू 40, ऑप्टेन मैंने कितने किए 40, कितने में से बेटा ऑप्टेन किया मैंने 40 मार्क्स, 50 नंबर में से मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, ये मैं कर दूंगा ना, तो मेरे पास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर आएगा बेटा 80%, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी। लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने भाई आपके 40 नंबर थे, लेकिन जैसे ही आपने पेपर बेटा रीचेक किया ना, आपको पता ये चला कि सर ने जो है आपके 2 नंबर एक्स्ट्रा काट लिए थे, वो 2 नंबर जो है आपके बनते थे, मतलब असल में आपके 40 नहीं, असल में आपके 42 मार्क्स बनते थे। तो आप गए, आपने सर को जाके बोला सर मेरे ये मार्क्स आप जरा सही कर दें, आप ये एक क्वेश्चन में कैलकुलेट मार्क्स डालना भूल गए 2 मार्क्स, तो उन्होंने जब सही किया, अब आपके बेटा मार्क्स हो गए 42, 42 आउट ऑफ 50। ठीक है, अब आपके बेटा मार्क्स हो गए 42। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि ठीक है तुम्हारे मार्क्स बढ़ गए, तुमने कहा हाँ सर मेरे मार्क्स इंक्रीज हो गए, मेरे मार्क्स बढ़ गए। मैंने कहा भाई सही है, बेटा आप मुझे बताएं कि आपके मार्क्स में परसेंटेज इंक्रीज कितने का है। सही है, आपके मार्क्स में परसेंटेज इंक्रीज कितने का आया, मैंने आपसे सवाल पूछा, तो आपने कहा सर वो भी पता चल सकता है। कैसे पता चलेगा, उसके लिए भी सर एक फॉर्मूला है, बेसिक सा फॉर्मूला, याद करने की जरूरत नहीं है, समझना है। ठीक है, परसेंटेज चेंज का बेटा फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं बोलूं कि बेटा परसेंटेज इंक्रीज मुझे निकालना, जैसे यहाँ पे 40 से 42 पे जा रहे हैं ना, तो ये तो परसेंटेज इंक्रीज होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज बेटा इंक्रीज कैसे निकलेगा, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर परसेंटेज बेटा डिक्रीज होता तो डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे ये एग्जाम्पल है बेटा, इसको हम डिस्कस करके देखते हैं, इसमें मेरे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं बाय 2, 2 मार्क्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज कितना होगा बेटा 2 अपॉन ओरिजिनल, कितना है ओरिजिनल, अच्छा ये बात याद रखें बेटा, ओरिजिनल आपका 50 नहीं होगा, ओरिजिनल होगा बेटा वो मार्क्स जो पहले आपने ऑप्टेन किए थे, पहले आपने कितने ऑप्टेन किए थे 40। सही है, अब कितने हैं 42, यानी कि इंक्रीज कितने से हुआ है 2 से इंक्रीज हुआ है, ओरिजिनल मार्क्स आपके कितने हैं बेटा 40, 2 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे बेटा, आपको परसेंटेज इंक्रीज पता चल जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा बेटा आपके पास 5%। ठीक है, 0 और 0 कैंसिल हुआ, 2 1 2 2 2 4 2 5 10। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा आ गया 5%, ये आपका आंसर आ गया 5%। अच्छा इसी तरह से एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं, लेट्स सपोज अब तुम गए ना अपने मार्क्स बढ़वाने, पता चला कि सर ने तुम्हारे मार्क्स बढ़ाने के बजाय तुम्हारे मार्क्स कम कर दिए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो मैंने आपको ज्यादा नंबर दिए, आपके तो 40 बनते ही नहीं, आपके तो 39 बन रहे, तो
उन्होंने आपके मार्क्स चेंज करके बेटा 39 कर दिए, खतरनाक सर थे। ठीक है, आप अपने मार्क्स बढ़ाने गए, उन्होंने आपके मार्क्स और कम कर दिए, उन्होंने आपके मार्क्स और ज्यादा डिक्रीज कर दिए। अब वो 42 नहीं हुए, अब उन्होंने कहा कि नहीं भाई आपके तो 40 भी नहीं बनते, आपके तो 39 बन रहे, उन्होंने आपके मार्क्स बेटा 39 कर दिए। अब आप इस बात से बहुत ही ज्यादा नाखुश हैं, परेशान है, क्या करें। मैंने कहा कोई मसला नहीं बेटा, परसेंटेज डिक्रीज मुझे कैलकुलेट करके दे दो। मैंने फिर से आपसे एक सवाल पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे? आप सैडली परसेंटेज डिक्रीज कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज डिक्रीज बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। डिक्रीज बेटा कितने से हो रहा है? डिक्रीज 40 थे पहले, 40 से अब 39 हो गए, यानी कि एक मार्क उन्होंने आपका कम कर दिया, उस जालिम सर ने एक नंबर आपका डिक्रीज कर दिया। ओरिजिनल क्या होगा बेटा? आपका ओरिजिनल था हमारा 40, पहले हमारे मार्क्स आए थे 40 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 और 0 कैंसिल होगा, 2 2s are 4, 2 5s are 10। ठीक है बेटा, 5 1s are 5, 5 divided by 2 करेंगे बेटा, 2.5 आंसर आ जाएगा, 2.5%। परसेंटेज डिक्रीज बेटा कितना हो रहा है? 2.5% से। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, अब बेटा आगे चलते हैं, कुछ और बातें हैं वो डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज भाई खुजैमा ने अपना एक बिजनेस स्टार्टअप किया, ये आप हैं, आपने बेटा अपना बिजनेस स्टार्टअप किया, आपने जो है ना सोचा सर मैं बनाऊंगा, मैं बेचूंगा लेमिनेट, लेमिनेट बेचेंगे गया, वो बड़ा ही कोई प्रीमियम क्वालिटी का लेमिनेट है, उसकी कॉस्ट बेटा आपको पड़ी, कॉस्ट आपको पड़ी बेटा $50। आप बेच रहे हैं बेटा डॉलर, सेलिंग प्राइस है आपकी बेटा $65। आप देखें तो प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटा सेल्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट पर यूनिट, तो प्रॉफिट पर यूनिट आपको पता चल गया। सेलिंग प्राइस है बेटा आपकी 65, कॉस्ट है आपकी 50, 65 माइनस 50 करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 15, यानी कि $15 से आपको मुनाफा होगा, $15 से आपको प्रॉफिट हो रहा है। मैंने आपसे बोला, मैंने कहा ठीक है यार आपने तो बता दिया, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप मुझे बताओ कि कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट का बेटा क्या है फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि ये एक तरह से देखा जाए तो ये चेंज ही है प्राइस में। ठीक है, मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको बेटा? प्रॉफिट हमें हो रहा है $15 का, ऑब्टेन्ड अपॉन ओरिजिनल ओल्ड, ओल्ड हमारा कितना था, ओल्ड वैल्यू कॉस्ट हमेशा ली जाएगी, ये याद रखें बात, ये क्या होगी कॉस्ट पे। ठीक है, तो ये हमारी कॉस्ट कितनी है 50 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपको परसेंटेज प्रॉफिट पता चल जाएगा। 0 और 0 कैंसिल होंगे, 5 2s are 10 और 15 2s are 30, तो 30% बेटा आपका आंसर आ गया, ये हो गया बेटा आपका परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, मैंने क्या एग्जांपल दी, मैंने आपसे बोला कि भाई आपने अपना एक बिजनेस स्टार्टअप किया है, लेमिनेट बेच रहे हैं प्रीमियम क्वालिटी का, उसमें कॉस्ट आपको बेटा टोटल पर यूनिट कॉस्ट आपको पड़ रही है $50, आप बेच रहे हो $65 का, यानी कि $15 का बेटा आप प्रॉफिट रख रहे हैं। मैंने आपसे बोला भाई मुझे परसेंटेज प्रॉफिट निकाल दें, तो आप कैसे निकालेंगे बेटा? परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट कितना हो रहा है $15 का, ओरिजिनल वैल्यू कॉस्ट पे दी हमेशा ली जाएगी, जब भी मैं आपसे परसेंटेज प्रॉफिट मांगू ना तो आप याद रखें बेटा ये हमेशा कॉस्ट पे आप ले, 15 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100 आप करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 30%। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, अभी तो प्रॉफिट हो रहा है तो यू आर हैप्पी। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको बेटा लेमिनेट की कॉस्ट पड़ी
50, लेकिन आप ये लेमिनेट अब सेल कर रहे हैं $40 का, सेलिंग प्राइस $40। यहां पे बेटा मुझे लॉस हो रहा है, यहां पे मुझे लॉस हो रहा है। कितने डॉलर्स का बेटा मुझे लॉस हो रहा है? $10 का बेटा मुझे लॉस हो रहा है। मैंने आपसे पूछा, आप मुझे बताएं बेटा परसेंटेज लॉस कितना होगा आपका, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। परसेंटेज लॉस बेटा कैसे निकालेंगे? लॉस अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। कितने डॉलर्स का आपको लॉस हुआ बेटा? $10 का आपको लॉस हुआ है। ओरिजिनल वैल्यू आपकी कितनी है? $50 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 और 0 कैंसिल हो गया, 5 2s are 10, 2 10s are 20। 20% का बेटा आपको नुकसान हुआ, 20% का बेटा आपको लॉस हुआ। सही है। अब हम आगे बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली परसेंटेज लॉस की, अब बेटा बात करते हैं डिस्काउंट्स के बारे में, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं बेटा एडवर्ड्स वगैरह में कुछ इस तरह से लिखा होता है, वॉज $180, नाउ $150, और ऐसे भी होता है। अब यहां पे देख के हमें क्या पता चले, यहां पे हमें देख के पता चले भाई डिस्काउंट मिल, डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो कितने डॉलर्स का बेटा डिस्काउंट मिल रहा है वो हम देखते हैं। डिस्काउंट इक्वल्स टू 180 माइनस 150, $30 का डिस्काउंट मिल रहा है, $30 का डिस्काउंट मिल रहा है। मैंने आपसे कहा भाई परसेंटेज डिस्काउंट मुझे निकाल के, परसेंटेज डिस्काउंट, तो ये बेटा कैसे निकलेगा? इसका भी फॉर्मूला होगा डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 30 का, ओरिजिनल क्या होगी वैल्यू? 180 मल्टीप्लाई बाय 100। मैं 150 इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो तो बेटा नई प्राइस है ना, तो न्यू है। ओरिजिनल जो पुरानी आपकी प्राइस थी, जो पुरानी आपकी वैल्यू थी, ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें भी बेटा मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है। न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। 150 माइनस 180 करें तो क्या आएगा बेटा आपके पास आंसर? 30 अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा नेगेटिव साइन इस वजह से नहीं लिख रहा क्योंकि वैसे ही मैंने डिस्काउंट बोल दिया ना, तो डिस्काउंट का मतलब तो यही है कि प्राइस कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है बेटा उसकी, ठीक है। तो इस तरह से हमने किया और हम आंसर निकाल लेंगे, क्या आएगा बेटा आपका आंसर? 0 और 0 कैंसिल हो गया, सही है। 300 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 16.667, 16.667%, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चीज, ये बात याद रखें। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, कभी भी ऐसे देखे ना बेटा क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हुआ है, वो बोले कहीं वॉज 180 नाउ 150, नाउ अगर बोले ना आफ्टर डिस्काउंट, या मैं बोल दूं आफ्टर डिस्काउंट द प्राइस इज $150, आफ्टर डिस्काउंट का मतलब ये कि ये आपकी सेलिंग प्राइस है, ये जो करेंट आपकी सेलिंग प्राइस है ना बेटा वो $150 है, ये बताना चाह रहा हूँ। बिफोर डिस्काउंट है इसका मतलब है लिस्ट प्राइस, इसको हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस। यहाँ पे भी मैं ये लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। अगर जैसे मैं बोलूँ, एक एग्जांपल हम देते हैं, नाउ $180 वॉज $200, और ऐसे बना, ठीक है। अब ये जो नाउ वाली बात है ना बेटा, इसका मतलब है ये आपकी आफ्टर डिस्काउंट है, आफ्टर डिस्काउंट, यानी कि ये बेटा किसकी बात कर रहा है? ये सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस। अच्छा ये जो है ना 200, ये बिफोर डिस्काउंट है, बिफोर डिस्काउंट,
तो इसको हम बेटा क्या बोलेंगे, इसको हम मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस बोलते हैं। मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस बोलते हैं। लिस्ट प्राइस का बेटा मतलब होता है प्राइस बिफोर डिडक्टिंग डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट भी बेटा आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है बेटा ऑन बल्क बाइंग, यानी कि आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहे हो तो उसके ऊपर जो आपको डिस्काउंट मिलता है ना, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। कैश डिस्काउंट बेटा दिया जाता है फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। मैंने आपको बोला कि आप अगर बेटा मुझे within 30 days आप मुझे पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको 2% का कैश डिस्काउंट दूंगा, मतलब 30 दिनों के अंदर अंदर तुमने पेमेंट कर दी तो जो तुम्हारे रिसीवेबल्स होंगे ना, जितना तुमने मुझे पे करना होगा उसमें मैं तुम्हें 2% का डिस्काउंट देता हूँ, वो कैश डिस्काउंट है। ये मैं इसलिए दूंगा ताकि मैं तुम्हें इनकरेज करूँ फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, रिस्क ऑफ बैड डेट डिक्रीज करेगा कि यार वो बंदा कहीं भाग नहीं जाए। और अगर मैं आपको बेटा ट्रेड डिस्काउंट दूं तो वो मैं आपको दे दूंगा बेटा बेसिकली फॉर बल्क बाइंग, कि तुम यार इतनी ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हो, इतनी ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहे हो तो उसके ऊपर जो है आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं बेटा सवाल वो आपको देगा किस तरह से। एक मैंने बात ये की आपसे, मैंने कहा कि भाई एक इंडिविजुअल है अली, मैंने आपसे कहा बेटा एक इंडिविजुअल है अली और अली का डेटा गिवन है, अली का डेटा गिवन है, उसने बेटा मुझे ये बताया हुआ है कि अली की सैलरी है $4,300, $4,300 जो है वो अली अर्न करता है पर मंथ, और इस $4,300 में से बहुत सारे इसके एक्सपेंसेस भी हैं बेटा। वो घर का रेंट पे कर रहा है, वो बेचारा घर का रेंट पे करता है बेटा $1,200, ग्रोसरीज के लिए बेटा वो खर्च करता है $200, बिल्स वगैरह यूटिलिटी बिजली वगैरह के बिल्स वगैरह पे करता है बेटा वो $800 के। यानी कि टोटल देखा जाए तो अली की सेविंग कितनी हो रही है, सेविंग अब मुझे खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेविंग बेटा मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना आपने। भाई सैलरी उसकी कितनी थी, $4,300, ठीक है, रेंट वगैरह ये सारे उसके बेटा एक्सपेंसेस हैं, 1,200 उसका रेंट एक्सपेंस है, ग्रोसरी भी बेटा 200 का उसका एक्सपेंस है, बिल्स भी उसकी 800 की एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। अब मैं सैलरी में से बेटा उसके एक्सपेंडिचर्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे सेविंग्स पता चल जाएंगी। मुझे पता ये चला कि यार वो $2,100 की सेविंग्स कर रहा, $2,100 की बेटा वो सेविंग कर रहा है, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम के साथ आप सिर्फ दो काम कर सकते हो, या तो आप उसको स्पेंड कर सकते हो या उसको सेव कर सकते हो। अगर आप सारी की सारी अपनी डिस्पोजेबल इनकम स्पेंड कर देते हो तो सेविंग आपकी जीरो होगी, अगर आप कुछ एक्सपेंडिचर्स करते हो और जो रिमेनिंग इनकम बच जाती है वो आपकी सेविंग कहलाएगी, ठीक है। तो ये बेटा होता है, मैंने आपको बोला कि ठीक है आपने सेविंग तो निकाल लिया, बट आपने बेटा कैलकुलेट अब करना है परसेंटेज सेविंग, परसेंटेज सेविंग्स। तो बेटा परसेंटेज सेविंग किस तरह से हम निकालेंगे, सेविंग्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। सेविंग्स बेटा आपने कितने की हैं, आपने बेटा सेविंग्स की है 2100 की, कितने में से 2100 की बेटा आपने सेविंग की है, 4,300 में से, 4,300 में से, 2,100 की बेटा आपने सेविंग्स की है, कितने में से 4,300 में से मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बेटा आपको आंसर पता चल जाएगा 48.8%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 49%, ठीक है। अच्छा, अब
अब कुछ क्वेश्चंस बेटा अटेम्प्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बेटा हम डिस्कस करते हैं एक दो, जो थोड़ा जो है ना पास पेपर्स से भी लिंक्ड होंगे आपके, उनको हम बेटा डिस्कस करते हैं। परसेंटेजेस बेटा हमने बात तो सारी कर ली है, अब हम कुछ ट्रिक्स भी सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को बेटा अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स सपोज बेटा एग्जाम में मेरे पास एक सवाल आया, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 80,000 इन 2010, इट रोज बाय 20% इन 2018, फाइंड पॉपुलेशन इन 2018। पॉपुलेशन पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ऑफ अ सिटी वॉज 80,000 इन 2010, इट रोज बाय 20% इन 2018, फाइंड पॉपुलेशन इन 2018, फाइंड पॉपुलेशन इन 2018। अब देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे वो बोल रहा है कि एक पॉपुलेशन एक सिटी की 2010 में जो है वो 80,000 थी, 2018 में जो है ना बेटा आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होके हो गई है 20% से, ठीक है। आपने निकालना है कि यार 2018 की पॉपुलेशन कितनी होगी, आपने ये कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए ना एक बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही इजी मेथड है, इस मेथड को अगर आप फॉलो कर लेना आपकी जिंदगी इतने सुकून में आ जाएगी कि मैं क्या बताऊं। आप यहाँ पे बॉक्स बनाए, ठीक है, एक बॉक्स दो बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स, हम यहाँ पे चार बॉक्सेस बनाएंगे, हम यहाँ पे बेटे चार बॉक्सेस बनाएंगे। यहाँ पे बेटा मैं लिखूंगा बिफोर और यहाँ पे बेटा मैं लिखूंगा आफ्टर। बिफोर में मैं डाल देता हूँ 2010, आफ्टर में डाल देता हूँ बेटा 2018। यहाँ पे मैं परसेंटेजेस में बात करूंगा, यहाँ पे मैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू पॉपुलेशन की बात करूंगा। बेटा 2010 में हमारी पॉपुलेशन कितनी होगी, जाहिर सी बात है 100% है, क्योंकि 2018 में तो बढ़ गई है ना 20% से, एक पूरा चंक 100% के बराबर होता है, 2018 में 20% से बढ़ी है तो मैं कह सकता हूँ कि 2018 में जो आप हो जाएगी बेटा वो 120% हो गई, ऐसे ही है, ठीक है, पॉजिटिव 20% का बेटा इंक्रीज आया। पॉपुलेशन आपकी कितनी है बेटा 80,000, 2018 में पॉपुलेशन आपकी कितनी है नहीं पता, एक्स कंसिडर कर लें। अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो वो मेरा फाइनल आंसर होगा। यानी कि मैं क्या करूंगा बेटा, 100x, 100x इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई बाय 80,000, एक्स इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई बाय 80,000 अपॉन 100, ये मैं कर दूंगा बेटा, मेरे पास आंसर यहां पे आ जाएगा 96,000। मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया 96,000, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएंगे परसेंटेजेस में, वो बोलेगा कि भाई एक सिटी की पॉपुलेशन थी 80,000 2010 में, 2018 में बेटा वो बढ़ के हो गई है 20% इंक्रीज आया उसमें पॉपुलेशन में, तो मैं बिफोर लूंगा और एक आफ्टर लूंगा, एक लूंगा जो गिवन है, जो ऑब्वियसली जो मुझे परसेंटेजेस में बेटा गिवन है, और पॉपुलेशन दूसरा ले लेते हैं एलिमेंट। बिफोर में मैंने कहा जाहिर सी बात है 2010 में यार 100% होगी, अच्छा इंक्रीज के बाद कितनी हो जाएगी बेटा, 20% से इंक्रीज हुए तो 2018 में आपकी 120% हो जाएगी, पॉपुलेशन बेटा 2010 में आपकी 80,000 थी, 2018 में बेटा पॉपुलेशन आपकी कितनी होगी नहीं पता, एक्स कंसिडर कर लेते हैं, इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 96,000, सिंपल एज दैट। इसी तरह से बेटा आगे भी सॉल्व करते हैं,
अब एक सवाल और, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 78,000 इन 2012, इट वॉज 30% मोर देन पॉपुलेशन इन 2011, फाइंड पॉपुलेशन इन 2011। क्या क्वेश्चन है हमारा? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 78,000 इन 2012, इट वॉज 30% मोर देन पॉपुलेशन इन 2011, इट वॉज 30% मोर देन पॉपुलेशन इन 2011, फाइंड पॉपुलेशन इन 2011। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा हमारे पास आया हुआ। वो कह रहा है भाई पॉपुलेशन एक सिटी में कितनी है बेटा? 78,000 है। कब? 2012 में। और ये जो थी ना बेटा, ये 30% ज्यादा थी, ये 30% ज्यादा थी। ऐसे ही है। यानी कि 2012 में जो है थी ना, वो आपकी 2011 के मुकाबले में 30% ज्यादा है। ठीक तो इसको सॉल्व करने का बेटा बड़ा आसान सा तरीका है। आप क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे बेटा बिफोर लिख देंगे, यहाँ पे बेटा आफ्टर लिखेंगे, परसेंटेज पॉपुलेशन। अच्छा मैं थोड़ी सी स्पेस इसके लिए छोड़ देता हूँ, वरना यहाँ पे जगह नहीं होगी। चलिए, अच्छा बिफोर 2011, आफ्टर 2012। बिफोर में बेटा आपका कितना जाएगा? 100%। 2012 में 30% इंक्रीज आया है, यानी कि 130 हो जाएगा। 2012 में पॉपुलेशन आपकी कितनी है बेटा? 78,000। ये देखें गिवन है 78,000 इन 2012, 78,000, और आप इसको एक्स कंसिडर कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 130x इक्वल्स टू 78,000 मल्टीप्लाई बाय 100। एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा 78,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 130, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा 60,000। एक्स की वैल्यू आ गई 60,000। सिंपल है ये, बिल्कुल बिल्कुल आसान के साथ तरीका है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इस तरीके के थ्रू। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि यार, या तो से आपको परसेंटेज में दिया हुआ होना चाहिए, बिफोर वाली वैल्यू, आफ्टर वाली वैल्यू, और आपसे वो बोले कि यार कॉस्ट निकालनी है या प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, या पॉपुलेशन का कोई सवाल आ जाए, तो हम इस तरह से करके बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। मैं एक ऐसा भी आपको तरीका सिखाऊंगा जिसमें ना आगे हम जाके स्टार्ट्स वगैरह के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा टाइम बचाने के लिए कि आप कैलकुलेटर से ना बेटा डायरेक्टली अपनी मीन मीडियन मोड वगैरह की वैल्यूज निकाल सकते हो। तो उससे ये फायदा होगा आपका कि आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा। मैं आपको कैलकुलेटर यूज करना भी सिखाऊंगा। अब हम आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं। अ शॉपकीपर बाइज एन आइटम, कीप्स 10% प्रॉफिट एंड सेल्स इट फॉर $132, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम। A shopkeeper buys an item, keeps 10% profit, sells it for $132, and sells it for
$132. फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम, फाइंड कॉस्ट प्राइस, सीपीएम कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है बेटा, यहाँ पे वो बोल रहे हैं एक शॉपकीपर है, उसने एक आइटम खरीदा, ठीक है, दैट सपोज ये हमारा शॉपकीपर है, उसने एक आइटम खरीदा, वो 10% इस पे प्रॉफिट रखता है और उसको बेचता है $132 का, $132 का। तो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है ये अब हमें मालूम नहीं है, ये अब हमें पता नहीं, ये मुझे निकालना। सेम तरीका, सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे, बिफोर आफ्टर यहाँ पे बेटा मैं परसेंटेज ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं डॉलर्स ले लेता हूँ। पहले जाहिर सी बात है 100% होगा, जब वो बेचेगा 30% कितना प्रॉफिट मार्जिन रखा है, 10%, तो यानी कि ये 110% जो है आगे सेल करेगा, 110% पे कॉस्ट 100% पे होगी। डॉलर्स में कितना जाएगा बेटा एक्स, क्योंकि पता नहीं है कॉस्ट आपकी कितनी है, बेचेगा आफ्टर कितना 132, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 132 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल्स टू एक्स। तो आपके पास बेटा एक्स की वैल्यू आ जाएगी $120। ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी कि भाई 120 का उसको पड़ता था, 132 में वो सेल करता था। तो खैर इस तरह के बेटा क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, इस तरह का सिनारी होगा। अब ये ट्रिक सॉल्व, ये आसान मेथड है सॉल्व करने। मैंने जैसे बताया ना आपको, पेपर में सबसे बड़ा मसला क्या होता है, टाइम का, कि आपको इतना टाइम नहीं देगा कि हम सोचें समझें फिर लिखें, टाइम की कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा होती है। तो टाइम को मद्देनजर रखते हुए बेटा मुझे अपना पेपर अटेम्प्ट करना, और ये तरीके हैं आप जिससे जिसके थ्रू बेटा बहुत आसानी से अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लें बेटा, फिर हम आगे चलते हैं।